अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और ये सब आप लोगों के सपोर्ट की ही वजह से हुआ है। और इंशाल्लाह आगे भी मैं इसी तरह से बढ़ते रहूँ। आप लोग प्लीज़ इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। वैसे 30 तारीख को ही कंप्लीट हो गए थे, मैं थोड़ा लेट अब पोस्ट कर रही हूँ। तो चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। नाइट से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। इस टाइम पे ना मैं खाना बना रही थी और जब मेरे हस्बैंड आए ना बाहर से, तो वो गर्मा गर्म वेज पकौड़ा, जो कि चाइनीज़ पकौड़ा बोलते हैं जिसे, वो और ये पनीर का पकौड़ा था, बाहर से इतना क्रिस्पी था ना, ये सब लेके आ गए थे। और इतना ज़्यादा ये टेस्टी था, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई किया। आप देख सकते हो बाहर से कितना क्रंची और क्रिस्पी लग रहा है और अंदर बहुत अच्छी इसकी फीलिंग थी, पनीर और प्याज और थोड़ा बहुत धनिया पत्ती था। तो ये हमने इंजॉय किया अच्छे से और खाना तो बन ही गया था रात का। और किसी ने फिर खाना नहीं खाया, मैंने फ्रिज में रख दिया दूसरे दिन के लिए। फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी, अजारुन को नेक्स्ट डे लेके जाना था, मुहर्रम का ये प्रोजेक्ट उसको मिला था तो उसमें मैं हेल्प कर रही हूँ। बच्चे ना बहुत सी चीज़ें खुद से नहीं कर पाते हैं तो हेल्प करना पड़ता है। वैसे इस तरह की चीज़ें करने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है और काफ़ी अच्छा फील होता है मुझे और बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है ये सब कुछ करना, तो मैं बहुत शौक़ से कर लेती हूँ। और ये गूगल में से एक मैंने इमेज निकाल ली थी और बहुत ही सिंपल सी इमेज थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने से, तो बस यही पिक्चर मैं बना लूँगी और ड्राइंग करने के लिए दे दूँगी जारुन को। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इसलिए मैं इसे बना रही हूँ और ये मुझसे बन नहीं रहा था लेकिन फाइनली फिर बन गया था आखिरी में। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसकी शेप आ गई थी। और इसका बाकी काम ना मैं जारुन को दे दूँगी, पूरा नहीं करूँगी। जारुन का प्रोजेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे हॉल में और हम लोग देख रहे हैं मालगुडी डेज़। और इसे देखने से मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। मैं जब छोटी थी ना तो ये वाला बहुत देखती थी ड्रामा, तो मैं आतिफ और जारुन को भी दिखा रही थी और साथ ही साथ मैं दूसरे दिन की टिफ़िन की तैयारी भी कर रही थी। तो आलू मैंने कट कर लिए हैं और पालक भी मैं कट कर रही हूँ क्योंकि इसका पराठा मैं बना के देने वाली हूँ नेक्स्ट डे। वैसे तो जारुन को अगर मैं इसकी सब्ज़ी बना के दूँ ना तो वो कभी भी नहीं खाएगा, तो नेक्स्ट डे मैं इसकी सब्ज़ी भी बना लूँगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लिया है और थोड़ा सा पराठे के लिए भी ले लूँगी। और उसको मैं बोल दी हूँ पहले से ही कि मैं कल ग्रीन कलर का पराठा दूँगी, तो वैसे तो वो बहुत खुश हो गया लेकिन उसे क्या पता कि ये पालक पराठा है। प्रोजेक्ट मैंने पेंसिल से बनाया था और हाईलाइट करने के लिए जारुन को बोला तो उसने स्केच पेन से बहुत अच्छे से आउटलाइन बना दी थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी। इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरह से किसी बर्तन में रख दूँगी और मैं ऐसे कटोरे में रख रही हूँ जिसमें सुबह मैं आटा भी गूंद लूँगी। आटा मैं अभी नहीं गूंद रही हूँ, सुबह ही गूंद लूँगी। तो बस मेरा आधा से ज़्यादा काम तो हो गया है रात में। इस तरह से रात में प्रिपरेशन हो जाए ना तो सुबह उठने के बाद कोई टेंशन नहीं होती, बहुत ही रिलैक्स फील होता है कि हमारा आधा काम तो हो गया है। तो क्या 25 का सब खा जाएगा?
अभी इनके स्कूल में ना पीरियोडिक टेस्ट जो है स्टार्ट होने वाला है जारून का। आतिफ का तो चल ही रहा है, एक दो दिन में हो भी जाएगा कंप्लीट, और जारून के होने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट। तो मैं उसे पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे फिर मैंने कवर लगाना है तो इसके लिए मैं बैठी हूँ और साथ में पढ़ाते भी जा रही हूँ। इसे पढ़ाने में ना काफ़ी मज़ा आता है, जब मैं इसे बहुत ज़ोर से डांटती हूँ ना, आँखें दिखाती हूँ, तब ये ठीक से पढ़ता है। अगर मैं एकदम हंस के इसे नॉर्मली पढ़ाऊँ ना तो ये फिर मुझे लाइटली लेने लगता है और बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। गुड, अब क्या लिखे हो तुम? बच, उसके बाद क्या होगा? लिखो। और उसके बाद क्या आता है? लिखो। पढ़ के सुनाओ, क्या लिखे हो? कौन सी बड़ी की मात्रा स। गुड, पूरा पढ़ो एक साथ। 25। और इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे लिखो, अंकों में लिखो, तीनों को लिखो। तीनों को अंकों में लिखो, पढ़ पढ़ के पढ़ के लिखो। क्या क्या लिख रहे हो अंकों में? पहला वाला क्या है? 27। हिंदी में लिखो उसको। उसके बाद 28। लिखो। उसके बाद क्या है लास्ट में? जल्दी लिखो। 25। लिखो हिंदी में। वेरी गुड, आ जाएगा अब लिखना? कोई कंफ्यूजन है, डाउट है? पक्का? नेक्स्ट डे हो गई है, और जो रात में जो प्यूरी बनाई थी ना मैंने पालक की, उसमें 1 कप मैं गेहूं का आटा डाल दूंगी, साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, नमक, और थोड़ा सा तेल डाल के ना इसका आटा लगा लेंगे। आटा गूंदने के बाद ना इसे रेस्ट करने कम से कम 5 से 10 मिनट रखना होता है, तो जो शेप है ना वो प्रॉपर बहुत अच्छे से आती है। लेकिन जब आतिफ जाता है ना तो काफ़ी कम टाइम होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने तुरंत ही उसके लिए पराठा बनाया। तो इस टाइम पे तो उतनी अच्छी शेप नहीं बन रही थी, लेकिन जब जारून के लिए बनाई ना 1.5 घंटे बाद, तब मुझसे बहुत अच्छे से पराठे बने थे। ये पराठा ना सिकने के बाद इतना टेम्पटिंग लग रहा था, और बहुत ही फैंसी लगेगा ये टिफ़िन आप दोगे तो। आसपास वाले भी ना अट्रैक्ट होके पूछ रहे थे आतिफ से कि ये किसका पराठा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने से, एक बाइट देना। तो उसने दिया और बहुत पसंद भी आया था आतिफ को भी, इवन जारून। मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई थी, उसने पूरा टिफ़िन जो है फिनिश करके आया था, बड़े शौक से उसने खाया था। वैसे ना ये सब कुछ करने में काफ़ी टाइम लगता है, प्रिपेयर करने में, बनाने में, लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो मैं शौक से ये सब कुछ करती हूँ। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे शौक से खा ले बस, और अगर वो चीज़ हेल्दी और टेस्टी हो तो फिर उससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है।
ये ट्रायंगल शेप में मैंने जारून के लिए बनाया था। आप देख ही सकते हो इसकी शेप बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि आटे को ना रेस्ट पे देना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसकी बहुत अच्छे से प्रॉपर जो है ना शेप आ जाती है। तो आतिक तो चला गया था, उसके बाद डेढ़ घंटे बाद जारून जाता है, तो अभी मैं उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। साथ में आलू की सब्ज़ी रख दी हूँ, और आतिफ को ना मैंने साथ में अचार भी दिया था, जिससे कि उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाए। लेकिन जारून अभी अचार नहीं खाता, तो बस उसे आलू ही दे दिया। जारून को उठा के मैंने उसे दूध दे दिया है, ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ उसकी यूनिफॉर्म को प्रेस करने। वैसे तो मैं रात में कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ या फिर कोई और काम होता है, तो फिर सुबह कर लेती हूँ। और साथ ही जो रात में मुहर्रम वाला कार्ड बनाया था ना, वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया था, इधर उधर हो गया था, तो उसे भी मैं थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी, ताकि वो बहुत अच्छे से दिखे, उसकी लुक अच्छी आए। और कोई भी चीज़ आप स्कूल में देते हो ना अपने बच्चों को, तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, तो जो टीचर्स हैं ना वो भी इस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं। तो यही था आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।